एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। निर्वाचन के दौरान पुलिस मित्रों का असाधारण भूमिका होता है, जो क्षेत्र का शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अग्रणी भूमिका अब तक अदा की है और आपके नेतृत्व में तो अकल्पनीय हम सब देख रहे हैं। इस निर्वाचन के दौरान आपने इस उत्तर व मध्यान्दमान जिला के नागरिकों को मतदान के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई ठोस प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से पुलिस का अलग से पहचान और जनताओं में एक श्रद्धा तैयार हुआ है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जनता में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जगह जगह पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बहुत बढ़ा दी गई है और हमारे इस कार्य में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ सीआरपीएफ की फोर्स भी नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और लोकल पुलिस और सीआरपीएफ की जो फोर्स है डेली बेसिस पे हर थाना क्षेत्र के अलग अलग लोकेशंस में जाकर वहाँ पर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, पेट्रोलिंग पे जाते हैं, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और वहाँ होने वाली अवैध गतिविधियों को चेक किया जा रहा है, आम जनता से बातचीत करी जा रही है और उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप हमारे साथ सुरक्षित हैं और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि भय, डर और किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से हम जनता को सुरक्षित महसूस करवाएं और वह अपना वोट स्वतंत्रता अधिकार के साथ एक सुरक्षित माहौल में उपयोग कर सकें और ऐसा हम करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई गई हैं जो पूरा समय गाड़ी में रहकर पेट्रोलिंग में रहती हैं, जो स्पेशली इन अवैध गतिविधियों को चेक करती हैं, कोई भी शिकायत आने पर वो तुरंत वहाँ पहुँचकर उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बनाई गई है जिले में, जिनका काम है पिकेट्स लगाना, चेक पॉइंट्स लगाना, नाका लगाना जिसे हम कह सकते हैं, आने जाने वाली गाड़ियों को रोकना और उनकी थरो चेकिंग करना ताकि कोई भी अवैध गतिविधि इन गाड़ियों में सामान के थ्रू या क्रय विक्रय के थ्रू ना की जा सके। इसके साथ ही साथ रात का समय जो होता है वो काफ़ी प्रोन माना जाता है किसी भी अवैध गतिविधि के लिए, तो हमारी पुलिस की टीम हर थाना क्षेत्र में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तैनात रहती है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिकेट लगाया जाता है जिसमें हर गाड़ी का आने जाने वाले का चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में दौरा कर रहे हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की चेकिंग हो रही है, वहाँ पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं है, लोगों से बातचीत करके उनको आश्वासन दिलाया जा रहा है कि उनके चुनाव सुरक्षित और सफल होंगे और वो इसमें अपना मतदान देके पूरा भागीदारी निभाएं। महिला अधिकारी होने के नाते जी, इस उत्तर एवं मध्यान्दमान क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए क्या कोई विचार किया है या कोई प्रयास आप जारी रखे हैं? जी, महिलाओं के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात होती है और मुझे महिलाओं के बीच में जाकर उनसे उनकी परेशानियां सुनना, उनके जीवन की विपदाएं सुनना और उनके लिए हल निकालना बहुत ही अच्छा लगता है और इसके चलते मैंने जब से यहाँ का कार्यभार संभाला है एक के बाद एक हमने कुछ ना कुछ कार्यक्रम ज़रूर शुरू किए हैं। जैसे अगर अभी हम रीसेंट बात करें तो हमने एक महिला मंच शुरू करा है जिसमें मैं हफ्ते में एक दिन अमूमन फ्राइडे के दिन किसी भी एक रिमोट एरिया में जाती हूँ और वहाँ की महिलाओं से उनके बीच में बैठकर एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में उनसे बातचीत करती हूँ ताकि वो खुलकर सामने आ सके, उनकी क्या परेशानियाँ हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत दूर दराज एरियाज़ में रहती हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता, उनकी वो इतनी सक्षम नहीं होती कि वो पुलिस थाने तक आ सके और अपनी परेशानी हम तक कह सके, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं उनके दरवाजे तक जाऊं और उनकी परेशानी को सुनूं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश करूं और साथ ही साथ उनको ये विश्वास दिलाऊं कि हम उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करें, कानून के बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिसके अंतर्गत वो अपनी सुरक्षा की मांग हमसे कर सकती हैं।
और लड़कियों के लिए भी मैं उनको ज़्यादातर गाइड करती हूँ कि किशोरियों की कैसे अपब्रिंगिंग की जाए। एक माँ आने वाली नस्ल को तैयार करती है, तो लड़कियों को वो किस तरह अपब्रिंगिंग करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको क्या शिक्षा दें, संस्कार दें, चीज़ें सिखाएं, जिससे कि वो आगे आकर एक अच्छी नागरिक बने और एक अच्छा परिवार का निर्माण करें। और महिला मंच के अलावा अभी हमने महिला दिवस पर भी एक कार्यक्रम शुरू करा था अस्तित्व नाम से, जिसमें हमने दूर दराज रहने वाली बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक के सभी एरियाज हमने कवर किए। बहुत रिमोट विलेजेस में रहने वाली वो महिलाएं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल किया है, अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने काम करके अपना एक मुकाम बनाया है, ऐसी महिलाओं को हमारा एक छोटा सा प्रयास था सम्मानित करने का, जो हमने अस्तित्व कार्यक्रम के चलते किया। और उस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन महिलाओं ने एक मंच पर आकर अपने जीवन की आप बीती, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी ही हमें सुनाई। उससे उनको एक सम्मान का अनुभूति हुई, और साथ ही जो यंग लड़कियां वहां बैठी थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उनको वह सुनकर एक मोटिवेशन भी मिला होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। इसके अलावा एक हमने ज्ञान सारथी करके एक छोटा सा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करा। इसमें नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट से ही जो पल के बढ़ के बड़ी हुई हैं लड़कियां, और आज उन्होंने अपना कहीं ना कहीं एक मुकाम बनाया है, कहीं सरकारी जॉब में गई हैं, किसी प्रोफेशन में गई हैं, उन लड़कियों को हमने एक मेंटर का रूप दिया। हमने विद्यालयों को और उन लड़कियों को ज्वाइन किया, उनको उनका एज अ मेंटर प्रेजेंट किया, और इसका हमने एक नाम दिया ज्ञान सारथी। क्योंकि जो बच्चे 10th 11th 12th के क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के मन में बड़े सारे सवाल होते हैं अपने करियर को लेके, अपने और बहुत सारी चीज़ों को लेके, पढ़ाई को लेके, तो वो सवाल के बार बार कोई जवाब देने वाला होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों को अप्रोच कर सकूँ और करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, पर मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं कई बार। तो इन मेंटर्स के थ्रू हमने ऐसा प्रयास किया है, क्योंकि वो लड़कियाँ लोकल हैं, वो यहाँ के समाज को, एनवायरमेंट को, परिस्थितियों को बहुत बेहतर समझती हैं। तो जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं जीवन में और उनको कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इन मेंटर्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा स्वावलंबन इनिशिएटिव भी हमने किया था, उसके चलते हम बहुत सारे कार्यक्रम लड़कियों के लिए करते रहते हैं। जैसे हमने एक सैडल पीक का एक्सपीडिशन किया था, जिसमें हमने हर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को लेकर वो एक्सपीडिशन किया था, जिससे कि उनको एक सेल्फ रिलायंस की फीलिंग आए। फिर हमने ऑल वुमेन एथलेटिक मीट एक ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें डिगलीपुर से बाराटांग तक की सभी महिलाओं ने, लड़कियों ने, हर वर्ग की लेडीज़ ने पार्टिसिपेट करा। उसमें एक वर्ग सीनियर सिटीज़न का भी था, जिसमें 70 साल की दादी और नानी भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वो काफ़ी अच्छा था। और एक प्रोग्राम जो मेरे दिल के बड़े करीब है, स्वरक्षा, जो हमने शुरू किया था, और इसके चलते करीबन हमने 3000 लड़कियों को, स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई है। और मैंने उस ट्रेनिंग को खुद से देखा है जाके, और उसके बाद भी मैं बच्चों से मिली हूँ, तो बच्चों में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उससे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैडम, निर्वाचन के आगाज होते ही कोई ऐसे अवैधानिक गतिविधियाँ या इल्लीगल तरीके से दारू का कोई व्यापार व्यवसाय हो रही है आपके नज़र में आई है, या आई हैं तो आपने क्या कठोर कदम उठाए हैं? ऐसा कोई तत्काल कोई उदाहरण, ऐसा गतिविधि घटना हुई है? जी, MCC लगने के बाद से जो अवैध गतिविधियों पे हमारी कड़ी नज़र है, और इसके चलते MCC लगने के बाद से कई एक्साइज एक्ट के मुकदमे दिए गए हैं, और अवैध शराब पकड़ी गई है, और प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं। और हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 दिन पहले की ही बात है, थाना बिली ग्राउंड में एक हरिनगर क्षेत्र में एक 110 बॉटल का हमने अवैध शराब का एक पूरा झुंड पकड़ा है, और ये बहुत ही रोचक एक केस बनकर आया सामने। पुलिस को इसकी एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि शायद एक ये 42 वर्षीय युवक है, जो छोटा सा एक नाश्ते की दुकान, किराए की दुकान चलाता है, और उसकी कुछ एक्टिविटी सस्पिशियस लगी और हमारे पास खबर आई, जिसके चलते SHO बिली ग्राउंड के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई, जिसने उसकी दुकान को चेक किया और ऐसा पाया कि जो हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था वो एकदम सही था। और टीम ने बड़ी सूझबूझ से काम किया, वहाँ पे जो उसको सबूत मिले उसमें कुछ बॉटल मिली, कुछ लूज लिकर मिली, उस बॉटल पे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी,
जिससे टीम ने यह अनुमान लगाया कि कहो ना हो ये कहीं छुपा के रखी गई होगी मिट्टी में और कहीं से दबा के इसको निकाला जा रहा है और इसके पीछे और भी ऐसा होर्डिंग का लिकर बॉटल्स हो सकता है। और इसके चलते SHO बिली ग्राउंड और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया। उसकी दुकान के पीछे एक जंगल का एरिया था, वहाँ जाके उन्होंने सर्च शुरू करी। तो उस युवक ने एक बल्ली गाड़ के एक पर्टिकुलर जगह पर अपनी निशानी बनाई हुई थी कि मैंने यहाँ अपनी बोतलें छुपाई हैं। वहाँ पर कुछ असामान्य लगने की वजह से टीम ने वहाँ खोदा और उस नाली में उनको 8 बॉटल्स मिली। पर टीम वहीं रुकी नहीं, पूरा दिन उस टीम ने जंगल के अलग अलग कोनों में घास के नीचे नाली में मिट्टी खोद के सर्च ऑपरेशन जारी रखा और बॉटल्स मिलती गई और वो शाम तक जो फिगर था वो 110 तक पहुंच गया। तो इस कार्य के लिए मैं बिली ग्राउंड आना देती हूँ और उनको इसके लिए रिवॉर्ड किया गया है और जो युवक इस गतिविधि में इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। थाना स्तर पर हमने स्पेशल टीम्स का गठन किया है, जो ये टीम्स क्षेत्र में जाकर अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व लोगों का, हिस्ट्री शीटर्स का और रिपीटेड ऑफेंडर्स का लगातार चेक कर रही हैं और इनके साथ कुछ भी अवैध गतिविधि पाई जाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज एक्ट में केस दर्ज होने के साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। दूसरा, हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको बहुत सुदृढ़ और एक्टिवेट किया गया है, जिसके चलते किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि अगर हो रही है तो हमें तुरंत उसकी खबर मिल रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, जो अवैध गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस बहुत बढ़ा दिया गया है और इस बार हमने टेक्निकल सर्वेलेंस का सहारा लेते हुए इन सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और इन सभी की रिपोर्ट्स हर थाना क्षेत्र से SP ऑफिस डेली बेसिस पे आती है। मध्यान्हन क्षेत्र में कुल कितने संवेदनशील बूथ होगा और इस बूथ में किसी भी प्रकार का विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इस संदर्भ में आपने क्या ठोस व्यवस्था लेने जा रही है? जी, नॉर्थ मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में अति संवेदनशील बूथ की जो सिलेक्शन है वो पूरा हो चुका है और बूथ्स डिफाइंड हो गए हैं कौन से अति संवेदनशील हैं और इसके चलते हम सभी वरिष्ठ अधिकारी, DC साहब, मैं, AC, SDPOs, सभी इन पोलिंग बूथ्स की विजिट कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इनमें वो सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हों जो कि एक मतदाता को मतदान देने के लिए आवश्यक हैं। और इन अति संवेदनशील बूथों पे पूर्ण रूप से बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था एकदम उच्च दर्जे की रखने का हमारा प्रयास है और इन क्षेत्रों में स्पेशली पुलिसकर्मी और CRPF के जो जवान हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों में ये विश्वास दे रहे हैं कि आपका चुनाव सफल और सुरक्षित होगा। मैडम, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इस निर्वाचन सुचारू ढंग से संपन्न होने हेतु आप एक महिला अधिकारी के रूप में उत्तर एवं मध्य अंडमान क्षेत्र के महिला और युवा साथियों को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे ताकि वे आपसे प्रेरित होकर अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन करें और लोकतंत्र के इस महोत्सव को सफल बनाएं? मैं युवाओं को और महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, आपका वोट आपकी आवाज़ है, आप इसका उपयोग उस भविष्य को आकार देने के लिए करें जो भविष्य आप देखना चाहते हैं। मतदान के माध्यम से आप अपनी आवाज़ सुनाएं और अपने देश और समाज के दिशा निर्देश में भागीदार बनें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।